दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी मैंने रिकॉर्डेड। आपको बताया था सी एल ओ यू डी व्हाट इज क्लाउड। सो क्लाउड के अंदर मैंने बताया था क्लाउड इज अ सर्विस। क्लाउड एक सर्विस का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ द सर्विस। क्लाउड एक सर्विस का नाम है। और व्हेन यू यूज एनी सर्विस, और अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो, पे एज पर दी यूजेस। अमित यही बताया था, यस और नो? नाउ गाइस, यस सर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द सर्विसेज, द क्लाउड प्रोवाइड द बेसिक थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज। क्लाउड बेसिक थ्री टाइप्स की सर्विस प्रोवाइड कराता है, एंड दीज सर्विसेज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। IaaS, PaaS, एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इन तीनों में पता है क्या डिफरेंस है लॉजिक में, अगर आपको बताऊं। मुकेश गॉट इट, आपने ये कल पूछा था। इन तीनों सर्विसेज का नॉर्मल लॉजिक में आपको बताता हूं। ऑन हाउस, रेंटेड हाउस, विदाउट फर्नीचर एंड रेंटेड हाउस विद फर्नीचर। गाइस गॉट इट? तीनों में क्या डिफरेंस है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यूज करते हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी का इंफ्रा भी बनाना पड़ेगा। उस इंफ्रा के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, लाइक एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी आपको चाहिएंगे, और उसके बाद आप एक पूरी की पूरी इंटायर एप्लीकेशन बनाओगे। बट अगर आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में जाते हैं, सो प्लेटफॉर्म सर्विस में आपको क्या बनेगा, ऑलरेडी इंफ्रा बना हुआ मिलेगा। गॉट इट? आपको सिर्फ वहां पे क्या करना है, डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं और अपनी एप्लीकेशन बनानी है। और अगर आप जाते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में, वहां पे इंटायर आपको पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट ही मिलेगा, आपको कोई बैकबोन नहीं है। लुक लाइक द डिफरेंस कि अगर मेरे को कोई एंड्रॉइड की ऐप बनानी है, लाइक आई नीड अ वन ऐप, मेरे को कोई एक्स वाई जेड ऐप बनानी है, तो एक्स वाई जेड ऐप के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, बाय अ कंप्यूटर। यस और नो एवरीवन? बाय सर्वर, उसके अंदर मैं क्या बाय करूंगा? मुकेश गॉट इन माय पॉइंट? बाय अ सर्वर, और इस सर्वर के अंदर मैं क्या करूंगा, आपका हार्डवेयर बाय करूंगा, स्टोरेज बाय करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय करूंगा। गॉट इट? देन अब मेरे को एक्स वाई जेड ऐप बनानी है, तो मे बी वो ऐप मैं जावा पे बनाता हूँ, पीएचपी का यूज करता हूँ, वैसे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एसक्यूएल डेटाबेस की नीड है। तो दिस इज अ माई प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर मेरे को कोई वेबसाइट भी बनानी है ना, तो मुझे पर्टिकुलर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सेम एज की अगर मेरे को कोई वर्ड की फाइल भी बनानी है, तो जो फाइल है, दिस इज माई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक वर्ड फाइल, ये मेरी वर्ड फाइल है। तो ये जो वर्ड फाइल है, दिस इज माई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये किसकी ऐप से बनी है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या था इसका? एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस किसके ऊपर रन हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। गॉट इट द पॉइंट गाइस? सेम एज कि अगर मुझे कोई एंड्रॉइड की ऐप बनानी है, लाइक मेरे को एक व्हाट्सएप ऐप बनानी है या फेसबुक ऐप बनानी है, तो ये ऐप भी है कोई मेरी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, लाइक प्ले स्टोर से जाके हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। बट बैकएंड में ये ऐप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्टिकुलर
बैकबोन सॉफ्टवेयर पे बनी है, आइदर जावा पे बनी है, और जावा पर्टिकुलर कहीं ना कहीं किसी लोकेशन पे रन हो रहा है। तो पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में हमारा काम है कि हमें सिर्फ अपनी कंपनी का इंफ्रा बना के देना है, दैट्स इट, जो कि फर्स्ट लेयर है, दिस इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और हम जो क्लाउड में पढ़ने वाले हैं AWS के अंदर, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आ जाता है। सेकेंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो गाइस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है, दिस इज अ सेकेंड लेयर। और यहाँ पे आपके जो टूल्स आते हैं लाइक अ डेवॉप्स, डेवॉप्स के जो भी टूल्स आते हैं लाइक आपके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक डॉकर, कुबरनेट, जेंकिन, गेट, ठीक है ना, आंसिबल, और उसके अलावा सेल्सफोर्स, तो सेल्सफोर्स भी इज अ पार्ट ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। गॉट इट गाइस? तो ये आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज है। और लाइक कि आपने सारी चीज बनी हुई है, तो यू कैन गो फॉर द प्ले स्टोर और वहां से जाके आपने अपने अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा और डायरेक्ट अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, यानी कि बना बनाया। तो एक सेल्सफोर्स ऐसा क्लाउड है जो कि आपके प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर हमें ऑलरेडी एक कंसोल बना हुआ मिलता है, उसके अंदर जाके हम कस्टमाइज बनाते हैं, यानी कि सेल्सफोर्स क्लाउड पे अगर हम काम करते हैं तो वहां पे हमें कोई सर्वर वगैरह कुछ भी चीज बनाने की जरूरत नहीं है। हमने अपना उस पर लॉग इन करा, उन्होंने हमें एक पोर्टल दिया, और उस पोर्टल से जो भी हमें अपना कस्टमाइज डैशबोर्ड बनाना है, वो हम कस्टमाइज डैशबोर्ड बना के अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। गाइस, कुछ समझ में आया द डिफरेंस ऑफ दीज थ्री सर्विसेज? मुकेश, अमित, पारुल, एनी क्वेश्चन? यस सर, बेसिकली जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जितना हम यूज करेंगे उसका हमें पे करना होता है क्लाउड के अंदर, राइट? बिल्कुल। तो ये सर्विसेज के अंदर भी यही चीज होएंगी कि हम अगर IaaS यूज कर रहे हैं तो IaaS का पे करना होगा, PaaS यूज करेंगे तो PaaS का यूज करना होगा, या उसके अंदर ये सर्विसेज जो हम मतलब अगर जो प्लेटफॉर्म खरीदेंगे उसके अकॉर्डिंग पे होता है? दीज आर द टू थिंग्स विद कंप्यूट और सेकेंड कंप्यूट लेस। तो यहां पर क्या है कि आप जब PaaS यूज करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। अगर आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक ऐसा घर ले रहे हो विद फर्नीचर्स, तो उसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। लुक लाइक दिस इज योर ऑन हाउस। ऑन हाउस का मतलब है कि आपको अपना XYZ सारी चीज यहाँ पे, यानी कि पहले आपको घर बनाना पड़ेगा, फिर फर्नीचर बनाना पड़ेगा, और फिर उसमें आप चाय बना के पियोगे। बट अगर आप आते हो रेंटेड, तो रेंटेड में क्या है, ना आपने घर बनाया ना आपने फर्नीचर बनाया, आप आए सीधा और आपने क्या करा, उस फर्नीचर को यूज करना स्टार्ट कर दिया और आपने अपनी चाय बनाई। गॉट इट? यानी कि यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट प्लस प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कॉस्ट। बट अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे गए, तो यू कैन गो फॉर द रेस्टोरेंट और आपने ऑर्डर करा मुझे चाय दे दो, वहां पे चाय बन के आई है, अब आपने चाय भी नहीं बनाई, आपने बनी हुई चाय पी है। तो चॉइस कि आप सारी चीजें अपनी खुद बनाना चाहते हो, या आप कुछ चीज अपनी खुद से यूज करना चाहते हो, कुछ बनी हुई चीजें यूज करना चाहते हो, या इंटायर पूरा बना हुआ ही सेटअप लेना चाहते हो। अमित, लॉजिक समझे कुछ? तो कंप्यूट का मतलब है कि आपको यहाँ पर आपने क्लाउड पे जाके अपने सर्वर्स वगैरह लिए, ठीक है, और वहां पे जाके अपना डिप्लॉयमेंट करा, कंप्यूट सर्विस। कंप्यूट लेस का मतलब है कि आपने कोई कंप्यूट सर्विस नहीं ली, आपने ऑलरेडी जो बैकएंड में बनी हुई सर्विसेज है क्लाउड की, उनको यूज करा है। मतलब चीजें तो वही यूज करी है, मतलब आप काम जावा पे ही कर रहे हो, बट पहले आपने क्या करा, आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई और उस पर जावा इंस्टॉल कर लिया। बट आप कह रहे नहीं, मुझे तो जावा चाहिए, तो मैं वर्चुअल मशीन की कॉस्ट क्यों दूं? गॉट इन माय पॉइंट, अमित? तो उसके लिए उन्होंने बना रखा है कि ठीक है, इफ यू नीड अ जावा, तो आप जावा भी हमसे ले सकते हो, बैकएंड में वो खुद से कंप्यूट सर्विस मैनेज करेंगे। क्लियर एवरीवन? मुकेश, अमित, पारुल, गॉट इट दिस पॉइंट? लॉजिक क्लियर हुआ? यस सर। सबसे बड़ा एग्जांपल गाइस, ऑन हाउस रेंटेड विद फर्नीचर और only without furniture or rented with furniture. यानी कि अगर आप platform service में आते हैं, तो आपने rent पे flat लिया है, but उसमें अपना सारा furniture खुद लाया है, यानी कि flat तो infrastructure तो बना हुआ मिल गया,
लेकिन अब आप अपने अकॉर्डिंग अपना फर्नीचर लगा रहे हो, दैट इज अ प्लेटफॉर्म, कि आप अपनी यूजेस के हिसाब से अपना सामान वहां पे खरीद रहे हो, तो वो होता है प्लेटफॉर्म, कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप किस चीज का यूज करना चाहते हो। आप एसी लगा रहे हो, बट आप क्या है, अब आप पीसी में गए तो पीसी में ऑलरेडी वहां पे क्या हो रहा है, एक विद फर्नीचर का मतलब है कि वहां पे ऑलरेडी एसी लगा हुआ है, फ्रिज रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन रखी है, बट अब आपको चाहिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो आप अपने अकॉर्डिंग फिर चीजें बनी हुई देख रहे हो, तो या तो आप खुद से बना लीजिए या बनी हुई ले लीजिए या पूरा इंटायर फसान बना लीजिए। चॉइस इज योर कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट किस टाइप्स का आता है, आप पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आता है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आता है तो आप चाहते हैं मैं सारी चीजें खुद से अपने इंजीनियर से मैनेज कराऊं, तो आप तीनों लेयर्स को खुद से मैनेज करेंगे, यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, आप अपने डेवलपर्स भी रखेंगे एप्लीकेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर जावा वगैरह पे काम करने के लिए, और सारी चीजें आप खुद से मैनेज करोगे। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट, कि गाइस मैंने आपको इंफ्रा टाइप की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द इंफ्रा। इंफ्रा का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो करंट सिनेरियो हमारा चल रहा है ना, द करंट सिनेरियो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड विद डेवऑप्स। आज के टाइम पे जो हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर करंट सिनेरियो चल रहा है, वो दो टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का चल रहा है, वन इज क्लाउड और सेकेंड इज डेवऑप्स। बट गाइज यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि क्लाउड का जो बैकबोन है ना, द क्लाउड बैकबोन वर्क इन अ वर्चुअलाइजेशन। जो क्लाउड सर्विस बनी है वो विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन बनी है, यानी कि क्लाउड को बनाने के लिए किन टूल्स का यूज हो रहा है, लुक लाइक कि खाना बनाने के लिए क्या क्या चीजें बैकएंड में चाहिए होती है। गॉट इट, किसान अगर अनाज उगाता है तो अनाज उगाने के लिए हमारे पास तो गेहूं आता है, बट गेहूं उगाने के लिए उसने खेती करी, खाद डाले, बीज डाले, पानी लगाया, वो सब तो हमें नहीं पता ना। सेम है कि हम क्लाउड का पोर्टल तो यूज कर रहे हैं, बट क्लाउड के पोर्टल किसकी ऐप से बना है, द बैकबोन ऑफ क्लाउड इज वर्चुअलाइजेशन इज अ बैकबोन ऑफ एनी क्लाउड, लाइक विच वन, लाइक कुछ कंपनीज VMware यूज करती है, कुछ कंपनीज हाइपर भी यूज करती है, कुछ कंपनीज आपकी लाइक सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर यूज करती है, कुछ कंपनीज आपकी लाइक KVM लिनक्स का वर्चुअलाइजेशन यूज करती है। तो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज आर डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन। एंड नाउ गाइज वन मोर थिंग, कि मैंने आपको बताया था कि बिफोर 2010 जब क्लाउड नहीं था तो हर कंपनी किस पे काम करती थी, ऑन प्रमाइस पे। नाउ सेम एज वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी अपना एक बैकबोन है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का भी क्या है, एक अपना बैकबोन है, और दिस वर्चुअलाइजेशन बैकबोन इज अ लुक लाइक अ ऑन प्रमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑन प्रमाइज इंफ्रा का मतलब है कि जो रीजंस है ना, जो मैंने आपको कल बताया था कि द एवरी कंपनी यूज आर मल्टीपल रीजंस, उन कंपनीज ने क्या करे हैं, वहां पे बैकएंड में अपने मल्टीपल सर्वर्स लगाए हैं। गॉट इट, उन्होंने क्या लगाए हैं, मल्टीपल सर्वर्स लगाए हैं ऑन प्रमाइज के अंदर। सो इसको आप मान सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देन उन सर्वर्स पे उन्होंने क्या करा है, पर्टिकुलर ये वर्चुअलाइजेशन टूल्स क्या करे हैं, इंस्टॉल करें। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक एग्जांपल दे रहा हूं गाइस मैं, और इस वर्चुअलाइजेशन की टूल के हिसाब से उन्होंने हमें एक क्लाउड का कंसोल, एक कस्टमाइज पोर्टल बना के दे दिया है कि अब आपको इस पोर्टल पे काम करना है। गॉट इट, अब आप कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, आप इस पोर्टल पे जाके यहां से आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी, कोई पर्टिकुलर स्टोरेज चाहिए, यू क्रिएट एनी स्टोरेज, आपने कोई भी स्टोरेज यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये हमें क्या है, एक पैनल ही तो मिल रहा है जो हमें कंसोल एक्सेस करा रहा है, ठीक है, बट ये क्लाउड का प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या है, अब हम कोई भी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, सो ये जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है गाइज, दिस वर्चुअल मशीन
क्रिएट इन अ क्लाउड पोर्टल, बट क्लाउड पोर्टल पे ये पर्टिकुलर किसी ना किसी टूल की हेल्प से पर्टिकुलर किसी ना किसी फिजिकल सर्वर पे ही जाके सेव हो रही है, जिसको आप बोलते हैं रीजन। सो रीजन का मतलब यही है, फिजिकल डेटा सेंटर्स। पारुल, अमित, मुकेश, गॉट इट गाइस? एनी क्वेश्चन? यस सर। सर जो हम जो हमने मतलब कि पहले बनाए थे वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के बेस पे बनाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस पर ही है, सबसे फर्स्ट लेयर वही है यार। आप अपना घर बनाते हो, वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। घर में आपको टीवी देखना है तो टीवी इज अ प्लेटफॉर्म, और उसके ऐप से आप क्या कर रहे हो, टीवी देखने के बाद आउटपुट जो आ रहा है वो आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। या मैं कहता हूँ घर है, घर में आपने गैस रखी, गैस पे बनाने का चाय, तो चाय इज अ सॉफ्टवेयर, चाय को आप यूज करोगे। गैस का यूज करा था आपने चाय को बनाने के लिए, और घर का यूज कर रहे हो चाय बनाने के लिए, गैस रखने के लिए, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है ना। लाइक गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। नाउ गाइस, अगर आप डेवॉप्स करते हैं तो चॉइस इज योर कि यू कैन इंप्लीमेंट अ डेवॉप्स प्लेटफॉर्म आइदर थ्री स्टेज। आप अपने डेवॉप्स के टूल डायरेक्ट ऑन प्रमाइस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रन कर सकते हो। यू डिप्लॉय अ डेवॉप्स टूल्स आइदर वर्चुअलाइजेशन, और आइदर यू कैन डिप्लॉय अ डेवॉप्स टूल्स फॉर क्लाउड। वेट गाइस। क्लियर एवरीवन द कॉन्सेप्ट कि क्लाउड का जो बैकबोन है वो बैकबोन क्या है? वर्चुअलाइजेशन टूल्स है एंड वर्चुअलाइजेशन ऑन प्रमाइस। सो बिफोर 2010 आपका जो एक ही कॉन्सेप्ट था ऑन प्रमाइस, देन 2010 के बाद आपका मार्केट में आया वर्चुअलाइजेशन। और 2013 से आपका आ गया था क्लाउड, बट जब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपकी मार्केट में आई थी तो कॉन्सेप्ट उसी समय, यानी कि द नेम की वर्चुअलाइजेशन गाइस टेक्नोलॉजी का नेम ही आपको मैं बता देता हूं द क्लाउड है। ये चीज मैं आपको अभी बता देता हूं, द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का नेम ही क्या रख दिया गया है? क्लाउड। क्लाउड इज द नेम ऑफ द वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से ही आपका क्लाउड का कंसोल बना है। Now, कि कॉन्सेप्ट सिनेरियो क्या था कि अगर यहां पर कोई भी एक कंपनी है और किसी कंपनी ने क्या करा कि अपना एक डेटा सेंटर बनाया, क्रिएट अ डेटा सेंटर। अब इस पर्टिकुलर डेटा सेंटर्स में क्या है, सपोज करो उसने 100 सर्वर्स लगाए, गॉट इट? कितने सर्वर्स लगाए? 100 सर्वर्स लगाए। अब एक सर्वर का 20% ही यूज हो रहा है, कितना फ्री है? 80% रिसोर्स फ्री है। गॉट इट एवरीवन? आपने एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप में आपका 16 GB रैम है, बट आप 4 GB रैम ही यूज कर रहे हो और 1 TB स्टोरेज है, बट आपकी 200 GB स्टोरेज फुल है, बाकी 800 GB फ्री है। दैट मीन्स कि आप अपने लैपटॉप की कितनी परसेंट रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो? 20% को ही, बाकी 80% आप ब्लॉक करके बैठे हो। So it is a profit or loss? Parul, Amit, Mukesh? Loss है, it loss, is a profit loss. Or loss? Completely loss है। ये एक कंपनी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी, और एक सर्वर एक एप्लीकेशन के लिए बिजी हो रखा था। अब कंपनी कहती है कि कंपनी के पास एक और प्रोजेक्ट आता है तो कंपनी को दोबारा से इंफ्रा खरीदना पड़ता था, क्योंकि पहले ही 100 सर्वर्स क्या है, एक्यूपाई है अदर सर्विसेज में, नया प्रोजेक्ट के लिए नया इंफ्रा लगाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इस वेस्टेज को एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई थी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन में क्या करा गया था, यू कैन क्रिएट अ वर्चुअलाइजेशन टूल्स। आप अपने सिस्टम पे वर्चुअलाइजेशन टूल इंस्टॉल करिए,
आइदर यू इंस्टॉल अ हाइपर वी और एनी अदर, और विद द हाइपर वी आपके पास जो 80% रिसोर्सेज है, यू क्रिएट अ 3 वर्चुअल सर्वर्स। आप यहां पे 3 वर्चुअल सर्वर्स बना दीजिए और आप हर सर्वर्स को एलोकेट कर दीजिए 200 GB ऑफ रैम एंड 2 GB ऑफ रैम और 200 GB ऑफ HDD। 4 GB रैम और 200 GB, यानी कि अगर आपकी इस बेस मशीन की 16 GB कॉन्फ़िगरेशन है हार्ड रैम की और हार्ड ड्राइव 1 TB है, तो गाइस क्या हुआ, आपके 4 GB रैम तो इन चार तीनों सिस्टम्स को चली गई, तो आपके फिजिकल सिस्टम पे कितनी रैम अब बच गई फिजिकल सिस्टम के लिए? 4 GB रैम आपकी कौन यूज कर रहा है? फिजिकल सिस्टम, यानी कि डिवाइडेड इन टू पार्ट, यानी कि अब आपकी जो कॉस्ट है, पहले आपकी 1 लाख रुपए में एक सर्वर चल रहा था और अब 1 लाख रुपए में 4 सर्वर चल रहे हैं। गॉट इट द पॉइंट? नाउ द 16 GB में से अगर 2 200 मैंने हर जगह स्पेस एलोकेट कर दिया, हर सर्वर को 2 200 GB मैंने स्पेस दे दिया, क्योंकि 20% रिसोर्स का मतलब है कि इससे ज्यादा वो रिसोर्स मेरा यूज ही नहीं कर रहा। इसके पास कितना स्पेस बच गया? 400 GB, और मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी सर्वर की रैम को कभी भी अप एंड डाउन कर सकता हूं वर्चुअली, मुझे मार्केट में जाके बार बार रैम खरीदने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी कंपनी ने डेटा सेंटर बनाया और ये बना लिया, बट इट इज ओनली फॉर यू कि इफ कि HCL ने स्टेप्स का अपना डेटा सेंटर बना लिया, क्या करके अपनी कंपनी के लिए, उसने तो कॉस्ट को कंप्रोमाइज कर लिया, कस्टमाइज कर लिया, यस और नो एवरीवन? गाइस यस और नो? यस सर। अब मुकेश मेरे को एक बात बताइए, यू आर नॉट अ एम्प्लॉई और पार्टनर ऑफ द HCL, क्या आप इस डेटा सेंटर को यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते, वो उनका प्राइवेट नेटवर्क है, हम नहीं, प्राइवेट नेटवर्क है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मार्केट में कुछ सर्विस प्रोवाइडर आए जिन्होंने क्या करा, सेम इसी टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया, नेम ऑफ द क्लाउड, कि अगर किसी को भी वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमसे ले सकते हैं, यू कैन पे एज पर द यूजेस। और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या रखा? क्लाउड। और सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को लेके आया था अमेजोन, बट Amazon पब्लिक क्लाउड लेके आया था, लेकिन यहाँ पे जो ये प्राइवेट क्लाउड है ना, ये प्राइवेट क्लाउड और ये कौन लेके आया था? दिस इज लेके आया था सबसे पहले VMware, Hyper-V, बट ये वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी लाए थे जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज हो रहा था, Citrix, Genserver, बट Amazon ने क्या करा, इन्हीं टूल्स का यूज करके उसने इसी टेक्नोलॉजी को एज अ पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट बना दिया। अब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट बना दिया तो यानी कि एनीवन, किसी को भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे वर्ल्ड में चाहिए, वो कहता है मेरे से आप ले लीजिए। लुक लाइक कि पहले कुछ नहीं था, अब ओयो आ गया। अब ओयो ने क्या करा, जगह 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 अपने बना दिए। ओयो का अपना खुद का होटल तो नहीं है ना, उसने जगह जगह बना दिए। अब किसी को भी यूज करना है वो यूज कर सकता है, पे एज पर द यूजेस। Got it the concept, guys? अब कोई कंपनी इसको यूज कर रही है तो इसको हम बोलने लगे प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस, क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का है। बट ये क्या है, अगर इसको AWS की कंपनी ओनली यूज करते हैं, AWS के एम्प्लॉय, तो ये AWS के लिए बन जाएगा प्राइवेट। और अगर कोई अदर कैंडिडेट इसको यूज करता है, लाइक यू आर नॉट अ एम्प्लॉय, बट आप क्या करते हो, आपने इससे लिए 50 सर्वर्स, आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए ले लिए, तो दिस इज क्लाउड यूज फॉर पब्लिक, ये आपके लिए पब्लिक क्लाउड बन जाएगा। एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड क्लाउड, और इसी का ही कॉम्बिनेशन आपका क्या बन जाता है, हाइब्रिड क्लाउड। गाइज गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? सर
अभी जो हमने सर यहाँ पे रिसोर्सेस को, जैसे हमारे पास अभी आपने बताया था कि 16 GB रैम है, तो हम उसको मल्टीपल मतलब 3 या 4 पार्ट्स में हम एज ए मतलब VMware या जो भी टूल्स के थ्रू हम उसको सिस्टम वर्चुअलाइज सिस्टम जनरेट करते हैं। तो रिसी जो अपना एक रिसोर्स पूलिंग होता है, वो यही चीज हुआ ना फिर रिसोर्स पूलिंग। लुक लाइक देखिए, दिस इज माय फिजिकल सर्वर, गॉट इट? अगर आप विंडो 10 प्रोफेशनल यूज करते हैं तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी, आप प्रोग्राम एंड फीचर्स के अंदर जाइए, कंट्रोल पैनल, एंड कंट्रोल पैनल के अंदर यू कैन गो फॉर द प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के अंदर गो फॉर द प्रोग्राम एंड फीचर्स एंड टर्न ऑन विंडोज प्रोग्राम फीचर्स। यहाँ पे ऑलरेडी आपका वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज होती है हाइपरवी। ये होम एडिशन के अंदर नहीं मिलेगा। अगर आपके पास विंडो 10 का होम एडिशन है, उसके अंदर ये टूल्स अवेलेबल नहीं, इट्स अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल इंटरप्राइज। नाउ मैंने वर्चुअलाइजेशन टूल्स ऑलरेडी इनेबल कर रखा है। नाउ द व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माय सिस्टम्स, आप देख सकते हो मेरे सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है गाइस, इट इज द 8 GB ऑफ रैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मेमोरी, मेरे पास 3.9 GB फ्री है, 2.5 GB मेरी यूज है। तो मेरे जो सिस्टम की रैम है वो 8 GB है। नाउ अब मेरा ये एक फिजिकल मशीन चल रही है, अगर मुझे इस पे एक और सर्वर बनाना है वर्चुअली, आई एम नॉट मूविंग फॉर क्लाउड प्राइवेटली, तो मैं क्या करूंगा, आई एम जस्ट सर्च हाइपर वी। मैंने हाइपर वी मैनेजर को सर्च करा एंड नाउ क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब मैं क्लाउड पे नहीं जा रहा हूँ, मैं विद इन अपनी और कंपनी के लिए बना रहा हूँ। आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ न्यू एंड वर्चुअल मशीन। बट बिफोर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन, आई एम गिव द वर्चुअल मशीन नेम इज विंडो 10 या विंडो 7। मेरी कंपनी के पास विंडो 7 बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो मैं ये थोड़ी ना विंडो 7 हूँ, मेरे पास तो है कॉन्सेप्ट। तो विंडो 10 मेरी फिजिकल मशीन चल रही है। नाउ आई एम सिलेक्ट अ लोकेशन कि मेरे को अपनी जो वर्चुअल मशीन है किस लोकेशन पे अपने सर्वर में सेव करनी है। नाउ मैं चले जाता हूँ कि आई एम सेव माई मशीन इन दिस लोकेशन, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको, लाइक अ फोल्डर इज लाइक अ माई HYPER हाइपर वी VMs, जो भी मैं वर्चुअल मशीन बनाऊंगा मैं इस लोकेशन पे सेव करना चाहता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन को। नाउ मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन ब्राउज, और देन नेक्स्ट जनरेशन 32 64 बिट्स को सपोर्ट करे, कितनी रैम आप एलोकेट करना चाहते हो। ये देखिए रैम का ऑप्शन आ गया कि आपके फिजिकल सिस्टम में आपको पता है कि आपके पास 4 GB रैम फ्री है, तो चॉइस की आप यहाँ पे 1 GB देना चाहते हो, 2 GB रैम देना चाहते हो, और 1.500 GB, या कितनी रैम आप एलोकेट करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रैम एलोकेट कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट नेटवर्किंग। सो आपके पास यहाँ पे नेटवर्किंग भी होना चाहिए। सो मैंने एक नेटवर्क यहाँ पे बना रखा है ऑलरेडी। सो वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी आपके पास आता है कि आप अपना पब्लिक नेटवर्क बनाना चाहते हो, कि आपकी कौन से वर्चुअल सर्वर आउटसाइड कम्युनिकेट करें, या आप अपना प्राइवेट कम्युनिकेशन कराना चाहते हो कि आपकी कंपनी के साथ ही सिर्फ आपके वो सर्वर कम्युनिकेट करें, या आप चाहते हो ओनली VM to VM विद इन सर्वर, यानी कि अगर आपने एक सर्वर पे मशीन बनाई है, लाइक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ वर्चुअलाइजेशन, लाइक यू क्रिएट अ सर्वर, आपने यहाँ पे कुछ सर्वर क्रिएट करे, तो आपके ऊपर है कि दिस इज योर फिजिकल सर्वर। फिजिकल सर्वर में आप इस टाइप का नेटवर्क बनाते हैं कि आपने अगर 2 VMs बनाई है तो ये 2 VM ही आपस में कम्युनिकेट करें, आप इस टाइप का नेटवर्क चाहते हो, या मैं कहता हूं देयर आर टू फिजिकल सर्वर्स है, या आप इस टाइप का नेटवर्क चाहते हैं कि ये दोनों VM एज वेल एज ये वाला सिस्टम भी कम्युनिकेट करे, यानी कि वर्चुअल मशीन और फिजिकल नेटवर्क दोनों कम्युनिकेट करें, या आप चाहते हो कि आपके इंटरनेट भी है और इंटरनेट के बाहर भी आपके कुछ सर्वर्स लगे हुए हैं, कंपनी के बाहर भी आपकी कोई मल्टीपल ब्रांचेस हैं, ये सब भी एक्सेस करें, तो आप इस टाइप्स का नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हो। गॉट इट? तो एवरीथिंग डिपेंड्स। तो इन तीन नेटवर्क्स को हम बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है विद इन VM to VM सिंगल सिस्टम्स, इंटरनल इंटरनल कॉल्ड अ लैन यानी कि वर्चुअल मशीन एंड फिजिकल मशीन बोथ, और एक्सटर्नल एवरीथिंग। एक्सटर्नल में हर कोई कम्युनिकेट करेगा विद इन लैन, विद इन VM, और आउट ऑफ VM और आउट ऑफ लैन। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि जब मैंने यहाँ पे अपना हाइपर वी बनाया था तो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लैन बना रखा था। प्राइवेट लैन का मतलब है कि ओनली मैं चाहता हूँ मेरे इस सिस्टम पे VM to VM हो। देन सिलेक्ट स्टोरेज, आप कितनी स्टोरेज अपनी सिस्टम्स की एलोकेट करना चाहते हैं। सो आई एम गिव द 50 GB स्टोरेज। देन नेक्स्ट इंस्टॉल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इमेज, और यू कैन सिलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम।
आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो, आप रेड हैट बनाना चाहते हो विंडोज, तो सेम कि जब हम क्लाउड पे भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन आता है AMI, Amazon मशीन इमेजेस, तो वहां पे भी ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की इमेजेस हैं। इसलिए मैंने भी अपने सिस्टम्स में ऑलरेडी क्या रखी हुई है, पहले से ही सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक मुझे विंडोज 7 बनाना है तो आई एम सिलेक्ट अ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम, नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। और गाइज ये मैंने पहली अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक सर्वर ऑलरेडी मेरा पहला बना हुआ है, आई एम क्रिएट अ वन मोर विंडोज 7। और अगर मैंने स्विच की बात करी थी तो यू कैन क्लिक ऑन हाइपरवी स्विच मैनेजर, यू कैन सी The all three types switch is available with is Hyper-V virtual switch manager. So this is the external, internal, private switch. This is the networking. अगर आप किसी भी systems की configuration को change करना चाहते हो, आप settings में जाइए और आप यहाँ से कुछ भी change कर सकते हो। आपको network adapters और चाहिए, multiple hard disk लगानी है, RAM को कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप सारी settings यहाँ से virtualization technology use करके अपनी machines को change कर सकते हो। Now start, मेरे को ये मशीन स्टार्ट करनी है, I'm just click on start और then click on connect. So you can see कि मेरी अभी installation start हो जाएगी Windows 7 की। This is a virtual machine, but I'm not create this virtual machine on cloud, क्योंकि ये मेरे private पर है। That means ये within मेरे system ही communicate करेगी। और अगर मैं अपनी company के अंदर चाहता हूँ तो मैं इसका network private से डाल के internal पे कर दूंगा। और अगर मैं चाहता हूँ ये बाहर भी एक्सेस हो तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्सटर्नल पे एड ऑन कर दूंगा। बट ये मेरा मेमोरी का एरर आ रहा है गाइस, तो गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? मुकेश गॉट इट? यस सर। अरुल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो दिस इज अ वे, बट कंपनीज ने अब Azure ने, Amazon ने और Google ने क्या करा कि इन थॉट मेमोरी, गाइस मेमोरी का एरर आ रहा है, तो अदर उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये करा है कि सिंपली कि उन्होंने अपना एक पब्लिक क्लाउड बना दिया और उन्होंने भी बैकएंड में फिजिकल सर्वर्स ही लगाए हुए हैं। उन्होंने भी बैकएंड में क्या लगाए हुए हैं, फिजिकल सर्वर्स लगाए हुए हैं, ठीक है। बट हमारे पास देयर इज नो एनी फिजिकल सर्वर कंट्रोल। हमारे पास उन्होंने क्या दिया, जिस तरीके से हाइपर भी है ना, इसी तरीके से उन्होंने भी क्या करा, इसी वर्चुअलाइजेशन टूल्स का एक कस्टमाइज कंसोल बना दिया है और इस कंसोल के साथ कोडिंग करके बैकएंड में सारे के सारे सर्वर्स एड ऑन कर दिए हैं। अब आप यहाँ पर वर्चुअल मशीन बनाते हैं, अब आप मैं अगर यहाँ से वर्चुअल मशीन बना रहा हूं तो आपको नहीं पता ये वर्चुअल मशीन कहां पर बन रही है, गॉट इट माई पॉइंट? बट मुझे पता है कि ये जो टूल्स है ये मेरे पर्टिकुलर इस सर्वर पे चल रहा है, तो इस सर्वर पर चला, दैट मींस कि मेरी ये जो वर्चुअल मशीन है इसी सर्वर पर डिप्लॉय हो रही है। गाइस गॉट इट द पॉइंट? एवरीवन क्या हुआ? पारुल, अमित, क्या हुआ गाइस, बोर हो रहे हो क्या? हाँ सर, क्लियर सर, बता देना यार, बोर हो रहे हो तो। नो सर, आप भी कह रहे होंगे सर आपसे तीसरी चौथी बार हम पढ़ रहे हैं, बट हर बार नई चीज निकाल के लाते हो। हाँ पारुल, अमित, हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है भाई, मेरे को ना आईटी इंडस्ट्री में ना 15 साल हो गए, आई एम कंप्लीट माय डिप्लोमा इन 98 विंडोज, तो तब से लेके अब तक जो भी टेक्नोलॉजी है ना, Microsoft के सर्वर, Linux के सर्वर, नेटवर्क सब पे काम करा हुआ है। आई एम ऑल्सो वर्किंग VMware Citrix, SCOM, SCCM, SCVM सब पे काम करा हुआ है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले वर्चुअलाइजेशन काम करा है, ठीक है। तो जितना भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैंने आपको एक बैकबोन बताया है कि कभी कभार क्लाउड में पूछ सकते हैं कि यू नो द बैकबोन ऑफ क्लाउड, की क्लाउड को लाने के रीजन थे और क्लाउड का बैकबोन क्या है। वर्चुअलाइजेशन से आपसे पूछा जा सकता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है, द व्हाई इट कम्स इन अ मार्केट एंड कि कौन से टूल्स हैं। सो अगर आपको पता है कि दीज टूल्स आर यूज एंड दिस इज अ बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, सो इससे इंटरव्यू पे ना काफी इफेक्ट पड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, क्लाउड से पहले की नॉलेज भी आपको है, वर्चुअलाइजेशन किस पे चल रहा है, इज एन ऑन प्रमाइज, और उन्हीं ऑन प्रमाइज सर्वर्स को हम बोलते हैं रीजन। सो मैंने कल भी बताया था, रीजन इज अ फिजिकल लोकेशन of AWS data centers,
डेटा सेंटर्स का मतलब जहां पे कंपनी, जहां पे इंडस्ट्रीज ने अपने खुद के सर्वर बनाए। रीजन लुक लाइक योर फिजिकल हाउस, तो यानी कि आपका घर जहां पर है। लाइक अगर आपका घर इंडिया में है तो दैट मीन्स योर इंडिया इज रीजन, और यूपी में है तो दैट इज अ जोन। तो इंडिया रीजन एंड यूपी जोन, उसके अंदर जाके आपने घर बनाया है। अब मुझे घर भी अगर उसके अंदर ट्रेस करना है तो मैं आईपी एड्रेस के थ्रू सिस्टम ट्रेस करता हूँ, और आपका घर का भी एक एड्रेस होता है विद पिन कोड। तो पर्टिकुलर उस कंट्री और स्टेट के अंदर मैं आपका हाउस भी ट्रेस कर सकता हूँ। गॉट इट गाइस? एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? ओके, एनी क्वेश्चन? कल और क्या क्वेश्चन था आपका? नो सर, नो सर, बस नाउ यही गाइस, था सर। अच्छा, यही सारी चीजें थी। ओके, अभी तक तो यही से। कोई नहीं। नाउ गाइस वन मोर थिंग, कि मैंने एक और चीज बताई थी कि डेवऑप्स, तो मैं यहाँ पे डेवऑप्स भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो डेवऑप्स लाने का भी कॉन्सेप्ट क्या था, कि डेवऑप्स आने से भी हमारी कॉस्ट की, मैंने आपको बताया कि मार्केट में आज के टाइम पे दो चीजों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। द वन इज क्लाउड और सेकेंड इज डेवऑप्स। सो गाइस देखिए, क्लाउड के अंदर होती है वीएम, क्लाउड में क्या होती है वर्चुअल मशीन, और डेवऑप्स जो काम करता है वो करता है कंटेनर पे, कंटेनराइजेशन। दोनों में क्या है कि यहां पर हमारा होता है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, यानी कि अगर मैं अभी वर्चुअल मशीन बता रहा था तो आपने देखा था मैं रैम सीपीयू इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, बट डेवऑप्स के अंदर हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। डेवऑप्स के अंदर हम क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। क्या डिफरेंस है कि अगर मेरे को कोई भी एक जावा का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं एक सिस्टम खरीदूंगा, चाहे मैं वर्चुअल मशीन लू चाहे फिजिकल लू, मैं आपको बता चुका हूं। देन उस पर क्या करूंगा, आई एम इंस्टॉल अ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आई एम इंस्टॉल अ जावा, और फिर मैं उस पर इंस्टॉल करूंगा जावा। यस और नो? यही प्रोसेस है। यानी कि एक 1 GB के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मेरे को 100 GB तो OS के लिए स्पेस चाहिए था, प्लस एक 1 GB के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 4 GB रैम की रिक्वायर पड़ी। यानी कि एक 1 GB के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मेरी 100 GB हार्ड ड्राइव और 4 GB रैम का यूटिलाइज हो रहा है। यस और नो? अमित, पारोल, मुकेश? यस सर, यस सर। अब कहीं ना कहीं ये भी कंपनी का लॉस है ना, कंपनी कहती है एक छोटे से सॉफ्टवेयर के लिए इतनी कॉस्ट मेरे को खर्च करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा यूज नहीं हो रहा, वो जावा ऑपरेटिंग सिस्टम से 10% फाइल्स को ही यूज कर रहा है सिर्फ। जावा को चलाने के लिए मुझे 10% फाइल्स की ही नीड है। सो अब यहां पे क्या आया, यहां पर कस्टमाइज इमेजेस हम डेवलपर से बनवाते हैं। हम कहते हैं कि डेवलपर से यू क्रिएट अ इमेज, और आप इमेज में क्या करिए, आप इसमें यहाँ पे जावा डाल दीजिए, प्लस वो 10% फाइल भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ऐड कर दीजिए जो इस जावा को रन करने के लिए यूज होती है। गॉट इट माई पॉइंट? बट यहाँ पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की 10% फाइल ही आई है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम तो जब तक नहीं चलेगा जब तक पूरा 100% फाइल ना आए। यस और नो गाइस? 100% फाइल आएंगी तभी चलेगा ना ओएस तो, बट यहाँ इस इमेज में कितने परसेंट फाइल है? 10%। यानी कि अगर आप इस इमेज को यूज करते हैं तो ये इमेज आपकी, मैं कहता हूँ, 1 GB के अंदर ही रन हो जाएगी। यानी कि इस इमेज को अगर मैं चलाता हूँ तो मेरा जावा सिर्फ 1 GB के अंदर ही चालू हो जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आप कल आए गए हैं कि आपने एक बेस मशीन ली, इस बेस मशीन पे आपने क्या करा, दिस इज अ रैम ऑफ 8 GB, 8 GB रैम है, और मैं कहता हूँ देयर इज अ 100 GB स्टोरेज, या मैं कहता हूं लाइक 1001 TB स्टोरेज।
और इस इमेज को चलाने के लिए ये स्पेस ले रहा है 1 GB SSD, और मैं कह रहा हूं 1 GB ही रैम का यूज कर रहा है गाइस वो। नाउ अब हमने क्या करा, अभी अब इंस्टॉल आ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम यहां पर भी क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे ओएस। जब मैंने यहां पे ओएस इंस्टॉल करा तो ओएस पे भी उसने क्या करा, 4 GB रैम यूज करी होगी, सेम एज वर्चुअल मशीन, एंड एसएसडी भी इसने यूज करी होगी लाइक 100 GB। यस और नो एवरीवन? नाउ आई एम इंस्टॉल अ डेवऑप्स टूल, उसके बाद मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा डेवऑप्स का टूल लाइक आइदर आई एम इंस्टॉल अ डॉकर। और डॉकर सपोर्ट करता है कंटेनर्स को, डॉकर क्या बनाता है, कंटेनर। और अब मैं क्या करूंगा, अब जब मैं कंटेनर बनाऊंगा तो ये जो मैंने कस्टमाइज इमेज बनाई है ना, ये इमेज मेरी इंस्टॉल होती है कंटेनर के अंदर। Got it guys? मैंने यहाँ पे दो कंटेनर बना दिए, यानी कि यहाँ पे भी मैंने जावा कर दिया, जावा फॉर मुकेश, जावा फॉर मुकेश एंड लाइक अ जावा फॉर अमित। नाउ अब ये क्या करेगा कि ये कहता है 9-10% फाइल तो आ गया, अब ये क्या करेगा डॉकर, क्या करेगा ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम की 90% फाइल्स यूज कर लेगा इन कंटेनर्स को रन करने के लिए। यानी कि आपको ये दो जावा सॉफ्टवेयर चलाने के लिए दो ऑपरेटिंग सिस्टम डालने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे इसने कितना स्पेस लिया, 1 GB रैम, 2 GB रैम तो यहाँ गई, और 4 GB यहाँ, 6 GB, यानी कि अभी भी आपके इस सिस्टम पे कितनी रैम पड़ी हुई है, 2 GB। यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे दो कंटेनर्स और बना सकते हो सेम, क्लाउड में नहीं होगा ये क्लाउड के ऊपर आपके टूल्स चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट कितनी कंप्रोमाइज हो गई, यहाँ पे आप एक सिस्टम पे एक ही बार जावा रन करा सकते हो एक कैंडिडेट के लिए। बट अगर मैंने डॉकर टूल यूज करा तो डॉकर की हेल्प से मैंने 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं उसी प्राइसिंग में। गॉट इट पॉइंट एवरीवन? इसीलिए इंडस्ट्री क्या कर रही है, इसीलिए इंडस्ट्री कॉम्बिनेशन मांग रही है डेवऑप्स विद क्लाउड, कि जो मेरी कॉस्ट क्लाउड पे, अगर मैं यहाँ पे भी 10 सर्वर्स ले रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे 10 सर्वर्स का मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो 10 सर्वर अगर मैं ले रहा हूं तो कहना कि मेरे 10 सर्वर का रेंट मैं कहता हूँ 2 लाख रुपीज आ रहा है। तो कंपनी कह रही है क्यों ना मैं डेवऑप्स का टूल का यूज करूं, और डेवऑप्स का टूल्स यूज करके हार्डली मेरी ये जो कॉस्ट है 40,000 आ रही है पूरी इंटायर वर्चुअल मशीन, यानी कि फिजिकल छोड़ के वर्चुअल आ गया, लेकिन यहाँ पे कस्टोमाइज आ गया। लुक लाइक कि आप अपना मोबाइल फोन लेने गए हो मार्केट के अंदर, सो आप देखते हो आपने कोई मोबाइल फोन खरीदा, उस पे 100 एप्स ऐसी आती है जो आपके काम की नहीं है। यस और नो मुकेश, पारुल, अमित, आती है ऐसी ऐप? बट यही ऐप क्या करती है, यही ऐप आपके मोबाइल का 10 GB स्पेस यूज करती है और 4 GB रैम यूज करती है अगर आपका मोबाइल फोन है। मैं कहता हूँ कि बॉस मेरे को तो नीड ही है सिर्फ व्हाट्सएप चाहिए, फेसबुक चाहिए और कॉलिंग फैसिलिटीज चाहिए, दैट मीन 3 ऐप। तो बाकी रिमेनिंग एप्स को मैं हटा देता हूँ तो कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी गाइस? होगी होगी सर। सेम कॉन्सेप्ट इज अ डेवऑप्स, कि मुझे जितनी नीड है मैं उतना यूज करूंगा, मैं क्यों पूरा इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करूं? यस और नो मुकेश? गॉट इट द पॉइंट? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। सो गाइस दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स एंड व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज क्लाउड सर्विसेज। So, I think so enough for today. Thank you. Any question?